दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ। ये प्रश्न जो है आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले सब्जेक्ट तथा परीक्षाओं का सबसे सटीक सॉल्यूशन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स जो है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि किस हल का फार वी आकार का होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही होगा, यूपी नंबर 3। और अगला प्रश्न है, ढालू भूमि पर जुताई करने के लिए किस हल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा, टर्नेस्ट हल। दोस्तों, वीडियो को बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्रों तक जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न उन लोगों के भी काम आ सके। तो अगला प्रश्न है हमारा, गेज व्हील का कार्य होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, गहराई को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, कूड़ की दीवार के विरुद्ध हल तल को सहारा देती है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा, गनेल। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, हल का परिमाण होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा, फार की पंख से दावरोधी तक लंबवत दूरी। अगला प्रश्न है, बाहर से भीतर की तरफ जुताई करते समय अंतिम कूड़ को क्या कहते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा, खुला कूड़। अगला प्रश्न है, भीतर से बाहर की तरफ जुताई करते समय जो कूड़ बनती है उसे कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, पृष्ठ कूड़। और दोस्तों, अगला प्रश्न है, फार की नोक तथा दावरोधी की पेंदी के लंबवत झुकाव को कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, खड़ा झुकाव। है पंजाब हल के हत्थे में प्रयोग होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही होगा, मृदु इस्पात। अगला प्रश्न जो है वो है, लकड़ी की हरीस प्रयोग होती है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही होगा, पंजाब हल। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक खिंचाव वाला हल है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही होगा, विक्ट्री हल। दोस्तों, अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, प्रजा हल का क्षैतिज झुकाव होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही होगा, 3 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, वाह वाह हल का ऊर्ध्वाधर झुकाव होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही होगा, 3 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, पंजाब हल का खिंचाव होता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 140 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, किस यंत्र का प्रयोग नाली बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही होगा, रिज मेकर। अगला प्रश्न है, कानपुर कल्टीवेटर द्वारा कितनी गहराई तक भूमि को भुरभुरा बनाया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हो है जिसे चलाने के लिए बैलों की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही होगा, अकोला हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वितीय भू परिष्करण का यंत्र नहीं है। तो इसमें भी ऑप्शन डी सही होगा, वाह वाह हल। अगला प्रश्न है, ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर में फार की संख्या होती है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही होगा, 9। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य कल्टीवेटर का नहीं है। तो इसमें भी ऑप्शन सी सही होगा, सॉरी इसमें ऑप्शन बी सही होगा, मिट्टी को पलटना। अगला प्रश्न है, वाह वाह सीनियर कल्टीवेटर में फार की संख्या होती है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 5। ये ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हैरो की किस्म नहीं है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए जो है वो डिस्क हल, ये हैरो की किस्म नहीं है। अगला प्रश्न है, बागों में निकाई गुणाई करने के लिए प्रमुख यंत्र है। तो
इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा, डिस्क हैरो। अगला प्रश्न है, गन्ने की फसल में अंधी गुड़ाई के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी सॉरी सी सही होगा, खूंटीदार हैरो। अगला प्रश्न है, खुरचनी का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें भी ऑप्शन सी सही होगा, भूमि को समतल करने के लिए। अगला प्रश्न है, सीड ड्रिल के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, बीज से बीज की दूरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हैरो का प्रयोग सबसे अधिक हो रहा है, तो इसमें ऑप्शन जो है डी सही होगा, डिस्क हैरो। अगला प्रश्न है हमारा, सीड ड्रिल में बीज को चलाने का कार्य करते हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही होगा, बिडोलक। अगला है, निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग बुआई के लिए नहीं किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, पंजाब हल। अगला प्रश्न है, रिपर में कटर बार की गति होती है, तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही होगा, रेसिप्रोकेटिंग गति। अगला प्रश्न है, बीज मापने की विधि है, इसमें जो है ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, रीपर में लगे पिटमैन का प्रमुख कार्य है, तो इसमें भी जो है ऑप्शन डी सही होगा, रीपर की कटर बार को क्रैंक व्हील से जोड़ना। अगला प्रश्न है, पाउल और रेचिट का कार्य है, तो इसमें भी जो है ऑप्शन डी सही होगा, बीज ड्रिल के खेत में मुड़ते समय बीज गिरने की क्रिया का जारी रखना। अगला प्रश्न है, पावर टिलर की अश्वशक्ति होती है, तो इसमें भी जो है ऑप्शन डी सही होगा, 2 से 12 HP। अगला प्रश्न है, थ्रेसर में दाना टूटने का प्रमुख कारण है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा, सिलेंडर की गति। अगला प्रश्न है, पैडी थ्रेसर प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा, धान की मड़ाई के लिए। अगला प्रश्न है, पैडी थ्रेसर सिलेंडर किस टाइप का होता है, तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही होगा, लूप बार टाइप, इसमें ऑप्शन डी लूप बार टाइप। अगला प्रश्न है, मोटर में लेजर प्लेट लगी होती है, तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही होगा, गार्ड से। अगला प्रश्न है, मोटर गार्ड का प्रमुख कार्य है, तो इसमें भी ऑप्शन डी सही होगा, कटर बार की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, पावर थ्रेसर का RPM होता है, तो इसमें भी जो है ऑप्शन सी सही होगा, 800 चक्कर प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, थ्रेसर का आकार निर्धारित किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, सिलेंडर और स्ट्रा रेक की चौड़ाई द्वारा। अगला प्रश्न है, ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक का कार्य है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा, कृषि यंत्रों को ऊपर नीचे उठाना व गिराना। अगला प्रश्न है, क्लच का प्रमुख कार्य है, तो इसमें जो है डी सही होगा, उपरोक्त सभी। और दोस्तों, वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि हमारी मेहनत आपके काम आ रही है। अगला प्रश्न है, ट्रैक्टर की PTO की शाफ्ट के चक्कर होते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, 540 प्लस माइनस 10। अगला प्रश्न है, बूट सीड ड्रिल में लगा होता है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा, बीज नालिका के नीचे। अगला प्रश्न है, डिबलर में खूंटियों की संख्या होती है, तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही होगा सॉरी बी सही होगा, 27। अगला प्रश्न है, सीड ड्रिल कैलिब्रेशन ज्ञात किया जाता है, तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा, 20 दर, सीड ड्रिल कैलिब्रेशन से 20 दर ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न है, सीड ड्रिल की मरम्मत तथा रखरखाव के लिए प्रारंभिक मूल्य का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है, तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा, 1.5%। अगला प्रश्न है, मशीनों की चिकनाई के लिए प्रारंभिक मूल्य कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 0.5%। अगला प्रश्न है, अवमूल्यन ज्ञात करने का सूत्र है, तो इसमें भी ऑप्शन ए सही होगा, P-S / L।
अगला जो प्रश्न है वह कल्टीवेटर की अनुमानित आयु होती है, तो इसमें भी ऑप्शन बी सही होगा, 10 वर्ष। अगला प्रश्न है 8 घंटे सीड ड्रिल द्वारा कितने क्षेत्रफल की बुआई की जा सकती है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, 1.75 हेक्टेयर। अगला प्रश्न है कानपुर कल्टीवेटर का कुल खिंचाव होता है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 115 किलोग्राम। अगला है आलपर्ड ब्रेशर में कुल तवे की संख्या होती है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 25, सॉरी इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 20। अगला प्रश्न है इसको मिलाना है, सुमेलित कीजिए, मिलान करना है, तो इसमें ऑप्शन जो है सी सही होगा कि 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न है डिस्क हल का टिल्ट कोण सामान्यतया होता है, तो इसमें ऑप्शन जो है बी सही होगा, 15 डिग्री। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।